हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम बताने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर मेमोराइज्ड हम कैसे करें। अगर हम किसी बिल्डिंग की कॉस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला खर्च स्ट्रक्चर में जाएगा। तो हम आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं कि बिल्डिंग में स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास एक प्लान हमने क्रिएट किया है। अब इसी को हम स्ट्रक्चर कॉलम में क्लिक करें। देखिए कॉलम दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर कॉलम हम ले लेंगे। रूट फैमिली में जाएंगे। इसके बाद देखिए हमारा रैबिट फैमिली होता है, तो ये कॉलम का ऑप्शन होगा स्ट्रक्चर। देखिए गाइस, दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर फाउंडेशन, देखिए मिल गया ये स्ट्रक्चर कॉलम। तो कॉन्क्रीट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। आप जो टाइप का लेना चाहते हैं कॉलम, उस टाइप को हम ले लेंगे। इसकी हम यूनिकॉर्न सेट कर देते हैं, कितनी हमको हाइट चाहिए। अब फिर एडिट टाइप में जाएंगे, इसकी हम डायमेंशन चेक कर लेंगे कि कितने बाय कितने का है, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो हमको कहाँ लगाना है, लेवल 1 पे लगाना है कि लेवल 2 पे लगाना है, उसी हिसाब से हम कर देंगे। देखिए हमारा लेवल है, तो हम कौन सी लेवल पे लगाना चाहते हैं, कौन सी एलिवेशन पे लगाना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम मैनेज करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए गाइस, समझ जाएंगे आप। तो ये हमारा पहला कॉलम एडजस्ट हो गया। अब हम दूसरा कॉलम कहाँ देना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस देख लेंगे। दूसरा कॉलम यहाँ दे दिए, तीसरा कॉलम काफी दूरी हो रही गाइस, इसलिए हम उसको लगा दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो गाइस अब हम उसको 3D व्यू में देखेंगे। तो देखिए गाइस, हमारी ये कॉलम लग गया है। स्ट्रक्चर जाएंगे, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर इसमें एक ऑप्शन होता है, जब प्राइवेट फैमिली में आप जाएंगे तो ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर फार्मिंग आ जाएगा, तो इसमें कॉन्क्रीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप में भी आ जाएगा। तो रेक्टेंगुलर बीम हमको लगाना है। अब इसका हम डायमेंशन एडिट कर देंगे कि हमको कितना बाई कितने का चाहिए। हमने 0.3 मीटर किया है, इसको मैनेज कर देंगे। बस फिर एडिट टाइप में जाएंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे। फिर लेवल 2 पे हमको लगाना है, क्योंकि पहला फ्लोर पे तो हम कॉलम कर दिए हैं। अब लेवल 2 पे जो स्लैब होगा दूसरा लेवल पे होगा, अब उसके हिसाब से हम मार्क कर देंगे। ये गाइस हमारा पहला लग गया, ये दूसरा बीम हो गया, ये हमने तीसरा बीम। इसकी डायमेंशन हम चेक करते रहेंगे, हिसाब से हमको बीम मैनेज करना है। ये हमने यहाँ से उसको जोड़ दिया, एक बीम ये हो गया। जहाँ जहाँ हमको बीम लगाना है वहाँ वहाँ हम बीम एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा कर देते हैं, इसको यहाँ मैनेज कर देते हैं। अब एक और बचा है ये वाला, अब यहाँ से इसको उठाएंगे, एक शेप यहाँ एक कॉलम में इसको करेंगे, एक कॉलम में हम मॉडिफाई करेंगे, यहाँ मॉडिफाई करेंगे। ये हमारा ये बन गया, अब इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब 3D व्यू में जाएंगे तो देखेंगे, देखिए हमारा बीम कंप्लीट हो गया।
कॉलम की। अब जैसा अब देखिए हम एलिवेशन में जाएंगे, ईस्ट एलिवेशन में गए हैं, नॉर्थ साउथ एलिवेशन में। तो अब हम इसको चेक करेंगे। इसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं गाइस, इसकी जो विड्थ है उसको हम कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। एडिट टाइप में जाएंगे आप। अब हम गाइस ये देखेंगे कि फुटिंग फाउंडेशन हम क्रिएट करने वाले हैं रैबिट में, तो वीडियो के साथ में एंड तक जरूर बने रहें और स्किप मत करिए गाइस, नहीं तो आप मिस कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैबिट का। अभी पिक लाइन लेंगे हम, अब ऑफसेट ले रहे हैं हम। अब एक लेबल बना देंगे हम गाइस। पहले सबसे पहले लेबल बनाने के लिए हम कुछ को ऑफसेट लेंगे और फिर पिक लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर बाद में उसके हिसाब से हम जितना हमको ऑफसेट लेना है, देखिए -1.2 लिए हम, तो उसको पिक लाइन कर देंगे। तो गाइस उसको हम क्लिक करेंगे लेबल वन पे, तो एक हमारा एक और लेबल बन गया। ये हमारा फाउंडेशन के लिए है। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। ये हम रीनेम डाल देंगे फाउंडेशन, ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमने फाउंडेशन का लेबल बना लिया है। उसी हिसाब से हम बीम को एडजस्ट करेंगे। पेस्ट हो गया जो बीम हमने ऊपर मैनेज किया था, अब इसी को हमने नीचे पेस्ट कर दिया पूरा क्रिएट सिमिलर करके। अब इसको हम फाउंडेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, जो लेवल फाउंडेशन का हमने लेवल बनाया है। फिर कॉलम में जाएंगे, कॉलम हम फाउंडेशन पे कॉलम क्रिएट करेंगे। पहला कॉलम फाउंडेशन पे लग गया। नॉर्थ साइड में जाएंगे, अब इसी को कॉपी कर लेंगे। लेबल वन पे जाएंगे हम, क्लिक करेंगे, अब फिर कॉलम में जाएंगे, फिर हम एडजस्ट करते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमको फाउंडेशन पे कॉलम चाहिए करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक हो गया और यहाँ हमने एडजस्ट कर दिया। दो कॉलम और हैं, हम एडजस्ट करते जाएंगे। अब वो एक कॉलम और बाकी है, तो देखिए गाइस ये हमारा फाउंडेशन में कॉलम हो गया। ऐसे हम क्रिएट करते हैं रैबिट सॉफ्टवेयर में। और अब इसकी फाउंडेशन हम क्रिएट करेंगे कि कैसे फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है। फिर इसको सेव कर देंगे हम। एलिवेशन में जाएंगे, फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे और फिर ऑफसेट लेंगे, पिक लाइन करेंगे। इसकी हम ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट देखिए
देखिएगा इस माइनस 0.3 हमने लिया है, इसका ऑफसेट ले लेते हैं, एक लेवल और बना दिए हम, उसी हिसाब से हम उसकी फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर में क्लिक करेंगे हम, देखिएगा इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। तो ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर, कॉलम, बीम, बीम टाइप, स्लैब, वॉल। तो सबसे पहले फाउंडेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फाउंडेशन पे क्लिक है, फाउंडेशन पे हमने क्लिक किया और फिर हमने आइसोलेटेड ले लिया। गाइस ये देखिए आइसोलेटेड होता है, लेवल वन से फाउंडेशन कॉलम हुआ है उसी पे क्लिक करेंगे तभी मैनेज हो पाएगा। तो फाउंडेशन पे हम क्लिक करेंगे, फिर अब हम आइसोलेटेड पे क्लिक करेंगे, उसको हम एडिट टाइप में करके अपना डायमेंशन सही कर लेंगे। तो हमने 0.3 कर दिया है और इसका विड्थ 1 मीटर कर दिया है, इसका 1.2 लेंथ इसका अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। कर दिए हैं, फिर इसको ओके कर देंगे। अब हमको जहाँ लगाना है फाउंडेशन उसे पे क्लिक कर देंगे, पहला फाउंडेशन ने क्रिएट कर लिया, दूसरा फाउंडेशन हो गया, ऐसे ही आप फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। इसको मॉडिफाई कर देंगे, आप 3D व्यू में जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको। नॉर्थ एलिवेशन में देखेंगे तो ये हमारा कम्प्लीटली दिख रहा है। अब कोई भी एलिवेशन में आप जाएंगे, आपका जो एलिवेशन होगा आपके, जैसे आप साउथ एरिया में हैं या फिर बाद में ईस्ट एरिया में बनवा रहे हैं, तो आपका एलिवेशन इस टाइप में दिखेगा। अब लेवल वन पे जाएंगे, फिर आर्किटेक्चर में जाएंगे, अब फ्लोर लेंगे। तो फ्लोर हम क्रिएट कर लेते हैं, तो आर्किटेक्चुअल में जाएंगे, आर्किटेक्चुअल फ्लोर लेंगे। अब जैसा आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर लीजिए। पहले सबसे पहले ये आप फ्लोर डिसाइड कर लीजिए कि कितना आपकी विड्थ होनी चाहिए। तो हम ये फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं, लाइन लेके एडजस्ट कर लेंगे उसको, हम क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा। अब इसको ओके कर देंगे, 3D व्यू में जाएंगे, ये हमने लेवल 2 पे लगा दिया हुआ है। हमको लेवल 2 करना चाहिए था, कि हम सीलिंग देख लेंगे। सीलिंग स्केच सीलिंग में जाएंगे और फिर एक लाइन लेंगे, लाइन पे हम जेनरिक सीलिंग यूज कर रहे हैं, तो जेनरिक सीलिंग में एडिट टाइप में जाएंगे हम, इसकी हम डायमेंशन चेक कर लेंगे, फिर मॉडिफाई कर देंगे, फिर इसको एक लाइन लेंगे, एक क्लिक कर देंगे, हम सीलिंग क्रिएट कर लेंगे।
इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा लेवल टू पे लग गया था, अब इसको हम लेवल वन पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हम लेवल वन पे पेस्ट कर दे रहे हैं, ये हमने लेवल टू पे ऑलरेडी है, अब इसको हम लेवल वन पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमने लेवल वन पे पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा बीम एडजस्ट हो गया। कैसे लगाया जाता है स्ट्रक्चर कॉलम, स्ट्रक्चर बीम। तो गाइस हम इसकी हम हाइट भी अपने आप मैनेज कर सकते हैं, सीलिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप में गाइस लगाया जाता है रैपिड सॉफ्टवेयर में। तो आई होप यू गाइस वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो।